दिल्ली पुलिस ने नफरत वाले बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने जहां पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर शिकंजा कसा है, वहीं शिवलिंग का मजाक उड़ाने वालों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली पुलिस ने पत्रकार सबा नकवी पर भी केस दर्ज किया है। सबा ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ज्ञानवापी विवाद को लेकर सबा ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था। दिल्ली पुलिस की IFSO शाखा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी केस दर्ज किया है। ओवैसी पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। ओवैसी के खिलाफ FIR होने के बाद AIMIM कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। FIR में स्वामी यति नरसिम्हानंद का नाम भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने ओवैसी और स्वामी नरसिम्हानंद के अलावा नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन पांडे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सभी आरोपी कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे थे, वे विभिन्न समूहों को उकसा रहे थे, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। पूजा शकुन पांडे और नरसिम्हानंद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था, यहां तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी भाजपा के मूल विचार के विरोध में है। इसके साथ ही दिल्ली मीडिया सेल के प्रमुख नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया है। राजस्थान के बूंदी में रहने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों की आंखें निकालने और हाथ काटने की धमकी दी थी। नुपुर शर्मा के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मुफ्ती ने यह बयान दिया था। उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि यदि प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो मुसलमान रिएक्शन देगा। अब भड़काऊ बयान देने वालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली पुलिस के IFSO के DCP KPS मल्होत्रा ने कहा कि अलग अलग धर्मों के कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मल्होत्रा ने बताया कि इन बयानों को प्रमोट करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि केंद्र सरकार अब भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार अब देश या विदेशी प्लेटफॉर्म पर देश की किरकिरी नहीं करना चाहती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।